नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देखना शुरू कर चुके हैं एपी ड्राइंग 2.0। तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से 100 और 1 नंबर की हेल्प से महात्मा गांधी जी का सबसे आसान चित्र बनाना सिखाएंगे। बस आप दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे आप पहले 1 नंबर लिखिएगा, 1 नंबर लिखने के बाद एक आपको 0 नंबर यहाँ पर ऐसे लिखना होगा। ये हो गया हमारा 0, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हुए एक 0 नंबर आप यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, फिर इसके बाद एक 1 नंबर आप यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा। हो गया 100 और 1 नंबर। अब आप यहां से ऐसे मिलाइए, एक लाइन ऊपर की तरफ बढ़ाइएगा, इधर से भी आप ऐसे आगे की तरफ लाइन बढ़ा देंगे। लाइन को बढ़ाने के बाद यहां से ऐसे हल्का सा हाफ सर्कल बनाइए, अंदर की तरफ करिएगा, यहां पे उठा दीजिए। सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे रिपीट कर दीजिएगा दोस्तों, यहां पे आप ऐसे कर देंगे। अब आपको एक लाइन यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ाना होगा, एक छोटी सी लाइन आप इधर भी ऐसे बढ़ा देंगे। और दोस्तों, आपसे मेरा एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन भी है, अगर आपको पता है महात्मा गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इधर से ऐसे हाफ सर्कल बनाइएगा, यहाँ से हल्का सा बनाइए, फिर अंदर की तरफ ले जाइए, यहाँ से ऐसे उठा दीजिएगा। फिर इसके बाद एक छोटी सी लाइन नीचे की तरफ बढ़ाइए, यहाँ से भी ऐसे लाइन बढ़ाइएगा और इसको आप ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपको ऐसे हल्का सा हाफ सर्कल बनाना होगा, फिर इधर से करिए हल्का सा अंदर की तरफ, फिर ऊपर की तरफ आप ऐसे मिला देंगे। अब आपको जस्ट ऊपर के साइड में ही आईब्रो बनाना होगा, इधर से ऐसे करिए, ये हो जाएगा, थोड़ा सा इसको डार्क कर दीजिएगा। सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे रिपीट कर देंगे। अब आपको दोस्तों ऊपर वाले हिस्से से देखिएगा, यहाँ से 1 नंबर से आप ऐसे हल्का सा हाफ सर्कल बनाते हुए यहाँ पर ऐसे ले जाइए, फिर नीचे की तरफ यहाँ पर आपको ऐसे मिलाना होगा। मिलाने के बाद इधर से नीचे की तरफ आइएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से भी आप ऐसे सेम प्रोसेस रिपीट करिएगा दोस्तों, इधर ऐसे ले जाइए, फिर आपको इधर ऐसे ऊपर की तरफ उठाना होगा, यहाँ पे करिएगा। अब आपको यहाँ से देखिएगा, एक लाइन ऐसे नीचे की तरफ करिए, इधर बढ़ाइएगा, सेम आप यहाँ पे भी ऐसे रिपीट कर दीजिए, इसको आगे की तरफ बढ़ा दीजिएगा, नीचे की तरफ बढ़ाइए, यहाँ से भी आप ऐसे आगे की तरफ बढ़ाते जाइएगा। छोटी सी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए, एक छोटी सी लाइन आप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे और इनकी मूंछ को आप छोटी छोटी लाइनें ऐसे पेंसिल की हेल्प से या मार्कर की हेल्प से जिससे भी आप बना रहे होंगे यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। थोड़ा सा आगे के साइड में आप यहाँ पे ऐसे डार्क कर देंगे, यहाँ पे भी ऐसे डार्क कर दीजिएगा। अब आपको आई बनाना है, यहाँ पे ऐसे करिए, ये हो जाएगा, छोटा सा पॉइंट लगा के डार्क कर दीजिए, सेम आप इधर भी ऐसे रिपीट कर दीजिएगा दोस्तों। ये तो है हमारे बहुत ही आसान तरीके से महात्मा गांधी जी का चित्र बन के तैयार हो गया दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा डार्क कर दीजिएगा, इस साइड भी आप ऐसे डार्क कर देंगे, छोटी सी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए हल्की सी। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और आपका कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।